हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सुवचनानी, चैप्टर 4 सुवचनानी। अब आप सुवचनानी में हम देखते हैं कि सूक्तियाँ दी हुई हैं। सूक्तियाँ हैं सुखार्थिन कुतो विद्या, विद्यार्थिन कुतो सुखम, सुखार्थी सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। वा वा मतलब जो है, सुखार्थिना वा त्यजेत विद्या, विद्या सुखार्थी वो है जो सुख को चाहने वाला है, वो है जो कि विद्या का त्याग करता है, वही सुख को चाहता है। इसलिए कि जब हम विद्या ग्रहण करेंगे, अगर हमें विद्या ग्रहण करनी है तो हम सुख नहीं ले सकते, ग्रहण कर सकते। विद्यार्थी वा त्यजे सुखम, क्योंकि विद्यार्थी वो होता है जो सुखों का त्याग कर देता है। विद्यार्थी जीवन में सुख नहीं होता है, और वो जब विद्या ग्रहण कर चुका होता है तब सुखों को प्राप्त करता है। लेकिन सुख को चाहने वाले वे होते हैं जो कि विद्या का त्याग कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है सुखार्थिन कुतो विद्या, तो कि सुखार्थियों को, जो सुखों को के चाहने वाले हैं, उनके पास विद्या नहीं होती। और विद्यार्थी ना कुतो सुखम, और जो विद्यार्थी होते हैं, जो सही अर्थों में विद्या को का अर्जन करने वाले होते हैं, विद्या को प्राप्त करने वाले होते हैं, उनके पास सुख नहीं होता। तो अगर सही अर्थ में हम कहें, अर्थात विद्यार्थी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, और जो सुख को प्राप्त करना चाहता है वो विद्या कभी ग्रहण नहीं कर सकता। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, क्योंकि जो सुख को चाहने वाले हैं वो विद्या का त्याग करते हैं, उनके पास विद्या, वो विद्या अर्जित नहीं कर पाते। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी वही होते हैं, सच्चे अर्थों में विद्यार्थी वही होते हैं जो सुखों का त्याग करते हैं। अब दूसरी सूक्ति है गौरव प्राप्यते दानात्, गौरव प्राप्यते दानात्। गौरव 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 होता है प्रसिद्धि, तो प्रसिद्धि किससे मिलती है? दान से मिलती है। ना तो वित्तस्य संचयात्, न कि धन को जमा करने से, धन को इकट्ठा करने से कभी भी हम गौरव या प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार स्थिति उच्च पयोदानाम, स्थिति उच्च पयोदानाम की ऊंची स्थिति किसकी होती है? बादलों की होती है। पयोधीनाम अध स्थिति, पयोधीनाम अध स्थिति, लेकिन समुद्र की स्थिति अध नीचे की ओर होती है, अध मतलब नीचे की ओर होती है। बादल ऊंचा होता है क्योंकि वो दानी होता है, वही पानी देता है, और तभी पयोधी नाम समुद्र अधा स्थिति, जो समुद्र बहता हुआ नीचे हमें दिखता है वो किसके परिणाम स्वरूप होता है? बादलों के परिणाम स्वरूप, तभी सब बादलों की राह देखते हैं। वर्षा ना होने पर तभी हम बादल की राह देखते हैं, तो वहीं से बादलों को गौरव प्राप्त होता है, क्योंकि वो दान करते हैं जल का, वर्षा के जल का दान करते हैं, और तभी हमें समुद्र के रूप में, नीचे समुद्र के रूप में स्थिति दिखाई देती है। तो इसलिए कहा गया है कि गौरव अगर प्राप्त करना, अगर प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो दान करो, क्योंकि वित्तस्य संचयात्, क्योंकि वित्त अर्थात धन के संचय करने से, धन को एकत्र करने से, अपने पास हम इकट्ठा करेंगे तो कभी भी हमें प्रसिद्धि और गौरव नहीं प्राप्त हो सकता। जब तक कि हमारे धन से दूसरों को लाभ या दूसरों को सुख ना मिले, तब तक हम प्रसिद्धि और गौरव की प्राप्ति नहीं कर सकते। दुर्जना सज्जना भूयात, सज्जना शांतिम अनुत्यात भूयात,
दुर्जन जो लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, त्यागते हैं दुर्जन सज्जन को। यार दुर्जन जो हैं वो सज्जन को छोड़ देते हैं, लेकिन सज्जन शांतिम आत्मयात, लेकिन सज्जन क्या करते हैं, शांति की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहते हैं। शांत मुचेत बंधने पे, अगर शांति को छोड़ दे तो बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें लगता है, क्योंकि वो बुराई की ओर बढ़ जाते हैं। जो दुर्जन हैं वो शांति को त्याग करके बुराई की ओर बढ़ जाते हैं। मुक्त या अन्यान विमोचयेत, लेकिन क्या होता है कि मुक्त या अन्यान दूसरों को वो मुक्त नहीं कर पाती, विमोचन अर्थात मुक्ति नहीं दे पाते, क्योंकि वो दूसरों को सुख नहीं दे पाते, तो ना दूसरों को सुख देते हैं और ना स्वयं मुक्ति पा पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो दुर्जन होते हैं वो किसकी खोज में लगे रहते हैं, हमेशा बुराई की खोज में लगे रहते हैं। दुर्जन सज्जन भूयात, मतलब पृथ्वी पर दोनों हैं, भूयात पृथ्वी पर दोनों हैं, दुर्जन और सज्जन दोनों हैं, लेकिन सज्जन शांति आपनुयात, लेकिन सज्जन क्या है, शांति की प्राप्ति में लगे रहते हैं। सज्जन शांतिम आपनुयात, लेकिन सज्जन शांति की प्राप्ति में लगे रहते हैं। शांत मुचेत शांति क्या करती है, मुचेत छोड़ दे, अगर शांत मुचेत बंधनेभ्य, अगर हम शांत आसानी से चुपचाप से छोड़ दें किसको, बंधनेभ्य बंधन को अर्थात सांसारिक मोह माया को, मुक्त च अन्यान विमोचयेत, तो हम दूसरों को सुख नहीं दे पाते और न स्वयं को मुक्ति दे पाते हैं, क्योंकि शांति अर्थात धर्म का अनुसरण करके ही हम जीवन को मुक्ति दे सकते हैं, और अधर्म में लिप्त रह के कभी भी जीवन को मोक्ष की प्राप्ति नहीं दिला सकते। इस तरह से अब तीसरा है, अब चौथा दोहा है, जाड्य धियो हरति सिंचति वाच सत्यम, जाड्य धियो हरति, तो जाड्य मतलब मूर्खता, धियो बुद्धि को, धियो मतलब बुद्धि को हरति, मूर्खता बुद्धि का को हरति का नाश करती है, मूर्खता बुद्धि का नाश करती है। सिंचति वाची सत्यम, सिंचति वाची सत्यम, जाड्यम धियो हरति, धियो अर्थात बुद्धि को हरति नाश करती है, हरति नाश करती है, बुद्धि का नाश करती है या बुद्धि को मनुष्य को से दूर करती है। सिंचति वाची सत्यम, लेकिन वाणी की सत्यता जो है वो क्या करती है, सिंचति मतलब उद्धार करती है या विकास करती है, किसका, बुद्धि का, लेकिन वहीं पर ज्ञान रूपी मूर्खता क्या करती है, जाड्यम धियो हरति बुद्धि का नाश करती है, वहीं पर बुद्धि जो है, बुद्धि के द्वारा वाणी में सत्य का अनुग्रह या अनुपालन, ये बुद्धि का विकास करता है। मानोन्नति दिशति पापम पाप करोति, मानोन्नति मानव की उन्नति, तो जिस प्रकार से मानव उन्नति की दिशा पा सकता है, पापम पा करोति, कि जिसकी वाणी में क्या हो, सत्य हो,
जिसकी वाणी में सत्य हो वही मनुष्य पाप से पाक होता है, पाप से दूर होता है। चेत प्रसाद्यति। तो चेत भी होता है बुद्धि, चेत भी क्या होता है बुद्धि। चेत प्रसाद्यति। दिक्षु तनोति कीर्तम। दिक्षु जो आँखें हैं, मतलब कि जो बुद्धिमान होता है वो अपनी बुद्धि से देखता है, और दिक्षु अपनी बुद्धि से सभी दिशाओं में देखता है। तनोति कीर्तिम, और उसी की कीर्ति जो कि जिसकी वाणी में सत्यता होती है वही बुद्धि के द्वारा, वही बुद्धि का अपने जीवन में बुद्धि का विकास करता है, और बुद्धि के विकास के द्वारा मानव की हर दिशा में उन्नति होती है और वो पाप से मुक्त होता है। और चेत प्रसाद्यति मतलब उसका पारितोषिक होता है। बुद्धि ही मनुष्य को की उन्नति का पारितोषिक होती है, और उसी की दिशु तनोति कीर्तिम। दिशु मतलब चारों दिशा में, तनोति तन उन्नति मतलब उसका शरीर भी विकास करता है और उसकी उन्नति होती है, उसकी कीर्ति फैलती है चारों ओर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सत्संगति कथे किम न करोति पुसाम। कि सत्संगति, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर सत्संगति, इसीलिए कहा गया कि जाड्यम दियोधरति, कि जाड्य मूर्ख जो होते हैं वो बुद्धि का नाश कराते हैं। सिंचति वाचि सत्यम, जो कि वाणी का में सत्य होता है उसको दूर कर देते हैं। सत्संगति कथे किम न करोति पुसाम, कि मनुष्यों का सत्संगति, अच्छी संगति कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि अच्छी संगति करिए। किम न करोति पुसाम, कि वही मनुष्यों का की कीर्ति फैलाता है। सत्संगति से ही मनुष्य उन्नति करता है और पाप से मुक्त होता है। इस प्रकार से हमने सुलक्षणानी आज पढ़ा। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे।